वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए एक सुंदर सा डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन जो है लेडीज कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, जैकेट में, किसी भी चीज में हम इसको डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिजाइन है। और जो ये डिजाइन है इसके फंदे हैं वो हमने 3 2 3 2 के हिसाब से हमने फंदे डालने हैं, तो हमारा ये डिजाइन जो है एडजस्ट हो जाएगा। चलो चलिए तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा राइट साइड है और ये हमारी पहली सिलाई है। ये हमारा एज इट इज है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होगा। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। इसी तरह से हमने एक सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारा रॉन्ग साइड है और जो हम इधर जो हमने सीधे फंदे बनाए थे वो हम उल्टे बनाएंगे और जो उल्टे फंदे बनाए थे वो हम सीधे बनाएंगे। ये हमारा एज इट इज है, ये भी हम सीधा बनाएंगे। एक फंदा हमने जो हमारा उल्टा था वो हमने सीधा बना लिया। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। लास्ट का ये देखिए एज इट इज वाला फंदा भी हम सीधा बनाएंगे। तो ये हमारी 2 सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हम सीधी साइड और हमारी 3री सिलाई है। दो फंदे उल्टे बनाए, अब धागा पीछे करेंगे। अब जो हमारे ये 3 फंदे सीधे हैं इनका हम क्या करेंगे, एक फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर ये वाला हम सीधा बनाएंगे, इसको फंदे को छोड़ेंगे नहीं, हम ये वाला उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे इस तरह से। फिर ये दोनों फंदे हम आगे की साइड से ऐसे बनाएंगे इस तरह से। अब 2 फंदे उल्टे, फिर ये देखिए हमारे जो ये 3 फंदे हैं तो आगे वाला जो फंदा है इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको हम स्लिप करेंगे, ये वाला फंदा हम बनाएंगे और बना के इस फंदे को हम छोड़ेंगे नहीं और ये वाला फंदा उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर इन दोनों फंदों को हम आगे की साइड से बना लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर हमारे ये 3 फंदे हैं तो एक फंदा हम आगे वाला हम स्लिप करेंगे, फिर दूसरा वाला हम बनाएंगे, फिर इसको छोड़ेंगे नहीं और ये वाला फंदा उठाएंगे फर्स्ट वाला और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर ये दोनों फंदे हम आगे की साइड से ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारे आगे के 2 सीधे फंदे हो गए। ये देखिए आगे का फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा फंदा हमने सीधा बनाया, बनाया हुआ फंदा हम नहीं छोड़ेंगे और ये वाला फंदा हम आगे वाला उठाएंगे और इसके ऊपर से गिरा देंगे। फिर इन दोनों फंदों को आगे की साइड से सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे। ये देखिए फिर हमारे 3 फंदे आ गए हैं। ये फंदा हम फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा वाला हम बनाएंगे, ये वाला हम छोड़ेंगे नहीं और ये वाला उठाएंगे फंदा और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर इन दोनों फंदों को आगे की साइड से हम सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए अब आ गए हम अपनी रॉन्ग साइड। तो 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। अब ये देखिए जो हमने उल्टे फंदे हैं ये 2 बनाए थे, ये देखिए अब हम इन दोनों के बीच में एक जाली डालेंगे तो ये हमारी जाली आ गई
और एक और फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, और बीच में हमने एक जाले डालनी है, तो ये हमने जाले डाल दी है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे। इसी तरह से हम ये बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, बीच में हमने जाले डालनी है, एक फंदा फिर उल्टा, दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, एक जाली, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, एक जाली, एक फंदा उल्टा, और लास्ट में दो फंदे सीधे। तो ये यहां तक हमारा एक पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहां से हमारा फिर वही यहां से स्टार्ट वाला शुरू हो जाएगा। एक बार मैं आपको बताती हूं कि कैसे बनाना है। ये देखिए, दो फंदे शुरू में हम उल्टे लेंगे, अब हम तीन फंदे सीधे लेंगे, दो और ये तीन, फिर दो फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे सीधे। ये वही फर्स्ट वाली सिलाई है हमारी, दो फंदे उल्टे, फिर एक तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये पहली सिलाई शुरू कर दी है। इसी तरह से अगर आप डालेंगे तो ये डिजाइन इस तरह से बन के आएगा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिजाइन है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।